मेरा जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह होता था वो हम खुद से ही मैनेज करते थे। ये सब पैर के नीचे हिस्सा में जो कि ताबातोड़ जो कि मारने लगा। जब वहाँ पे वही कितना ज़्यादा था, जब टेस्ट लिया गया तो पहला टेस्ट 2 नंबर का मैथ में आया मेरा, ठीक है। तो बोला जाए कि आपको 30 रुपया देंगे, ठीक है, 15 दिन देखना है अगर, हाँ 30 रुपया। आज का जो ये वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज इस चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जो कि पॉडकास्ट मिलेगा आपको। इसमें मैं कोशिश करूंगा वीकली 1 से 2 पॉडकास्ट डालने का, कोशिश करेगा अलग अलग गेस्ट बुलाने का जिसमें अपना वो सक्सेस स्टोरी बता पाएंगे। इसमें मैं कोशिश करूंगा छोटा लेवल पे बुलाने का। बहुत कोई पॉडकास्ट करते हैं जो भी सक्सेसफुल बड़े बड़े होते हैं यूट्यूबर या तो बड़े बड़े कोई लेवल पे है उनको बुलाते हैं, बट इस चैनल पे मेरा मेन मोटर रहेगा जो भी लोकल के हैं, जो भी कम ग्रो किए हुए अभी ज्यादा ना यूट्यूब पर ग्रो किए हैं बट सक्सेस स्टोरी है उनकी, तो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे अच्छी खासी बातचीत किया जाएगा ताकि आप भी उनके लाइफ से कुछ सीख पाओ। और हाँ, इसमें आप भी आ सकते हो। कैसे आना है इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में बताऊंगा कैसे आप भी इसमें भाग ले सकते हो, कैसे आप भी इस जगह पे आ सकते हो। सो आज जो हमारे बीच गेस्ट है उनका रुतबा काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है ये मेरे गुरु भी हैं। मैंने अपनी शिक्षा इन्हीं से प्राप्त किया है, 10th तक इन्होंने मुझे पढ़ाया। और हाँ, अभी तक मुझे लाइफ लेसंस देते आए हुए हैं। मुझे कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा पहला कॉल इन्हीं के पास जाता है। एंड आई विल नॉट बिलीव कि मेरा प्रॉब्लम का चुटकियों में सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आपको भी लाइफ लेसंस चाहिए तो आराम से बैठ जाइए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सरोज सर, सॉरी सरोज भैया, एक्चुअली इनको सर पसंद नहीं है। और पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि क्यों इनको ये सरोज सर पसंद नहीं है, भैया क्यों पसंद? सबसे पहले तो मैं संजय दास ब्लॉग को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे फर्स्ट जो है कि इस पॉडकास्ट चैनल में जो कि एज ए चीफ गेस्ट के तहत जो कि बुलाया, और इसके लिए मैं इसको अगेन जो है कि थैंक यू बोलना चाहूँगा। कारण मुझे लगता है कि मैं कोई पॉडकास्ट वगैरह चैनल में जो है अपना इंटरव्यू देने लायक अभी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी अभी जो है सीख रहा हूँ और सीखने के क्रम में ही जो है कि अपना दिनचर्या को जी रहा हूँ और बच्चों के साथ बांट रहा हूँ। तो जैसे कि संजय ने बताया कि आपका जो फर्स्ट जो है मोटो जो है आप सर नहीं कहलाते हैं जबकि आप भैया कहलाते, तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम क्लास स्टार्टिंग किए थे तो बच्चों के द्वारा मतलब बहुत तरह प्यार मिला और मैं एक सर के मतलब हो के पढ़ाना नहीं चाहते थे। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि बच्चों में एक सर के प्रति एक जो कि डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और बच्चे खुल के जो कि सामने से आ नहीं पाते हैं, कोई चीज़ों को प्रॉब्लम को सोल्यूशन करा नहीं पाते हैं, तो जिसके वजह से जो कि हम अपने आप को जो कि सर कहलाना पसंद नहीं किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि आप टीचिंग करियर आपका कितने सालों तक हो गया है, प्लस जो आपने पहला टीचिंग करियर स्टार्ट किया था आपका कितना एज था उस टाइम जब आपने पहला ट्यूशन स्टार्ट किया था? ऐसे तो मैं प्रोफेशनली ढंग से एक कोचिंग चला रहा हूँ 2016 से, लेकिन मेरा टीचिंग जो करियर है वो स्टार्टिंग मेरा 2005 में ही हो गया था जब मैं क्लास 9 का था, तब से ही मैं टीचिंग करवा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा, 9 क्लास से ही खुद भी पढ़ते थे? खुद भी पढ़ते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं मिडिल क्लास से ही भी नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो मेरा जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह होता था वो हम खुद से ही मैनेज करते थे। और दूसरी बात यह था कि मैं कोई सरकारी स्कूल से 9 और 10th कम्प्लीट नहीं किया, मैं एक प्राइवेट संस्था से पढ़ा और खुद के दम से प्राइवेट संस्था से पढ़ के हम जो इस मुकाम पे बैठे हैं। तो मेरा करियर अगर देखा जाए तो 2005 से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अब तक का जर्नी है, लेकिन अभी प्रोफेशनल ढंग से हम 2016 से जो कि MBP क्लासेस नामक एक इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ जिसमें 1 to 12 के सभी वर्ग के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आर्ट्स ओनली आर्ट्स का, साइंस और कॉमर्स को छोड़ के। तो इसका ये कोचिंग का एड्रेस क्या होम टाउन में है? नहीं, ये कोचिंग जो है आपका मोहटर नियर हीरोग रोड, ठीक है, हीरोग रोड ब्रांच में ये है और आने वाले दिनों में और एक ब्रांच में अपने गांव में भी खोलने वाला हूँ। तो जैसे मैंने भी आपके पास पढ़ा है तो हम लोग 2015 का बैच थे, तो जब हम लोग पढ़ते थे और अभी का बच्चे जो पढ़ते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको लगता है, जो उस टाइम के बच्चे और अभी के बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि उस समय जो था मोबाइल का बच्चों का लत नहीं लगा था और मोबाइल उस समय उतना प्रभावी था भी नहीं। वर्तमान समय में मोबाइल क्या है कि 2 प्रकार के काम कर रही है, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी। अभी के समय में बच्चा जो है मोबाइल पे ज़्यादा मतलब समय बिताता है, पढ़ाई के ऊपर जो कि ध्यान कम रहता है। और रही बात सबसे बड़ा जो बात होती है वो रिस्पेक्ट,
उस समय सर को या फिर भैया को एक मतलब ओहदा में देखा जाता कि नहीं वो सर है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा है कि सर भी मतलब बंधुत्व के कगार में आ चुका है, मित्रता बना चुका है और छोटे बड़े का जो है मान्यता अभी नहीं दिया जाता है। और आज के जनरेशन में रेयर केस में ही जो है एक रिस्पेक्टफुली स्टूडेंट जो कि मिल पाता है। हाँ, तो जब स्मार्टफोन का बात उठी गया तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन रखना चाहूँगा। जैसे मेरे टाइम में मुझे पर्सनली मुझे स्मार्टफोन मिला था 12th के बाद, जब मैंने 12th पास किया उसके बाद घर से मुझे स्मार्टफोन मिला। बट अभी के बच्चे को मैं देख रहा हूँ 9th के बाद ही स्मार्टफोन मिल जा रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार है, मतलब सही है या गलत हो रहा है? स्मार्टफोन एक प्रकार का देखा जाए तो इसका मिसयूज भी है और यूज भी है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चा ही स्मार्टफोन से जो कि इसका मिसयूज करके गलत फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे भी बच्चा है एग्जांपल के तौर पे कि 9th क्लास का रहते हुए भी वो स्मार्टफोन के वजह से आज वो जो कि लाखों लोगों के दिलों में जो कि राज करते हैं, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में आज देख ही रहे हैं बहुत सारा मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा है, यूट्यूब से लेके आपका फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में, तो हर जगह पे बच्चा जो कि अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका जो चीज़ में रुझान रहता है चाहे खेल के माध्यम में पढ़ाई के माध्यम में उसको वो दिखाता है। लेकिन हमारे गांव में जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं उस जगह में क्या होता है कि मोबाइल का अगर देखा जाए तो अधिकतर बच्चा मिसयूज ही करते हैं, क्योंकि उसको उस तरह से गाइडलाइंस नहीं मिल पाता कि इस मोबाइल से पॉजिटिव चीज़ क्या क्या आएंगे और इस मोबाइल से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ दिखा जाएंगे। तो जिस दिन बच्चों को उस गाइडलाइंस का मतलब जो कि कोई बताने वाला मिल जाएगा कि इस मोबाइल से उसका इस तरह मतलब जो कि फ़ायदा हो सकता है, तो आई होप कि बच्चा जो है कि मोबाइल का सही यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है 2020 के बाद लॉकडाउन में बच्चा लोग के पास जो कि मोबाइल आ गया, स्कूल कॉलेज भी बंद हो गया, तो मजबूरी में लेना ही पड़ा। तो उस समय बच्चा क्या हुआ ना कि ज़बरदस्ती मतलब जो है कि कुछ ऐसा बच्चा रहा कि उसमें कुछ पॉजिटिव भी हुआ और कुछ नेगेटिव भी हुआ। तो एक प्रकार के देखा जाए मोबाइल का दोष नहीं देना चाहिए, दोष यहाँ पे है थोड़ा सा पेरेंट्स को भी है और जो उनके अभिभावक स्वरूप गार्जियंस हैं उनके टीचर्स हैं। थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन अगर वो बच्चा दे बच्चों को तो आई होप कि मतलब बच्चों में ये नेगेटिविटीज नहीं फैलेगी। तो अगर आप भी कोई स्टूडेंट्स हैं 9th 10th या 11th 12th कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ को जान करो, जैसे सर ने कहा कि मोबाइल आप यूज़ करो बट उसको पॉजिटिव वे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अभी सीख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब वगैरह पे अभी, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो, तो वहाँ से आप सीखो। मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अच्छे यूज़ में लेने का। अभी आपका इंस्टाग्राम रील देखना हो गया, फेसबुक में वीडियो स्क्रॉल करना हो गया, ये आप बाद में भी कर सकते हो, आपके पास बहुत टाइम रहेगा। फिलहाल अभी जो टाइम है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपका लाइफ एक अच्छे मुकाम पर आए, कल दिन आप भी यहाँ पर आकर बैठ के इंटरव्यू दे पाओ। और एक क्वेश्चन, जो अभी बच्चे 10th से जो भी निकले हैं 11th 12th बहुत का एडमिशन करा रहे हैं तो 10th तक तो बच्चे रिजल्ट अच्छा कर लेते हैं बट 11th 12th आने के बाद वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, बहुत सारे इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है, कैसे वो अपने आप को सही ट्रैक पर रख सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है सही ट्रैक में रखना और ये करना। कुछ बच्चे गलती करते हैं मानते हैं, लेकिन सभी बच्चे ट्रैक से नहीं भटकते हैं। कुछ बच्चों में क्या हो जाता है ना कि उसको 10th के बाद एक लगता है कि जो उसका पहला पड़ाव जो होता है ना, मतलब अब मनुष्य का पड़ाव होता है, एक होता है आपका बचपना, उसके बाद दूसरा पड़ाव में आपका हो जाता है टीनेजर से उन्हें किशोरावस्था, तो उस अवस्था में बैठता है आता है वो बच्चा। तो उस अवस्था में कोई भी बच्चा चाहे हम रहें आप रहें तो थोड़ा मतलब माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है, एक जगह पे एकत्रित नहीं हो जाता। तो उसको केंद्रित रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको फोकस करना है पॉजिटिव वे में, ठीक है, जैसे आउटडोर गेम्स वगैरह फुटबॉल क्रिकेट खेलना और संगति बनाना कि जिस बच्चे में जो कि पोटेंशियल है कुछ कर पाने का, जो बच्चे अच्छे हैं उसके साथ जो कि एक मित्रता उसके साथ अच्छा बना के रखना, बंधुता बना के रखना। और साथ ही जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं गार्जियन को लेके भी जाऊँगा, क्योंकि गार्जियन भी जो है इस बात को मतलब जो कि वहाँ पे 10th के बाद उसको छोड़ देता है, लेकिन मैं बताऊँ कि गार्जियन को वहाँ पे बच्चों को अपने मतलब अपने दोस्त की तरफ बच्चों को मानना चाहिए और सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए कि बच्चा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई होप कि अगर थोड़ा सा पेरेंट्स भी वहाँ पे काम कर दें ना तो बच्चे हमको लग रहा है मेरे ख्याल से कि वो ट्रैक से नहीं भटकेंगे और सही राह में जाएंगे और सही दिशा में वो तैयारी के लिए अग्रसर होंगे। तो जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे जैसे सर ने कहा
आपको ध्यान रखना है कि टेंथ तक तो ठीक है, आपने ध्यान रख दिया टेंथ तक ठीक है, इलेवन ट्वेल्व जैसे बच्चे आते हैं, जैसे सर ने कहा किशोरावस्था की ओर होते हैं, तो बहुत सारा केमिकल चेंजेस वगैरह भी बॉडी में होती रहती है, तो जिसका इधर उधर मन भटकता है, तो आपको उस जगह पर ध्यान रखना है कि आपको एज ए फ्रेंड उनसे सब कुछ शेयर करना है, सब कुछ बातें शेयर करना है, जिससे क्या हो कभी अगर वो डिप्रेशन में भी चले जाए तो फिर आपसे वो चीजों को कह सके, वरना अगर आप एज ए पेरेंट रहोगे आपसे वो डरेंगे तो कोई भी चीज़ों को आपसे शेयर करने में वो हिचकिचाएंगे, जिस कारण काफी ज्यादा आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करो जब भी बच्चे कॉलेज में आ जाए उसको एज ए फ्रेंड बना लेने का, सारी चीजों से शेयर करने का। और एक सवाल, अगर मान के चलिए कोई बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और साथ ही साथ वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कैसे वो दोनों को हैंडल कर पाए, मतलब रिलेशनशिप को भी सही रख पाए और साथ ही साथ पढ़ाई को भी सही रख पाए, और इसके साथ ही साथ क्या प्यार में इंसान को पढ़ना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, या तो एक सक्सेस हासिल करने के बाद प्यार मोहब्बत करना चाहिए? देखिए, मनुष्य का अगर देखा जाए प्यार शब्द जो है ये एक मतलब जो कि मनुष्य में होता ही है, अगर आप ह्यूमन बॉडी है तो एज ए कोई भी लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन मैं 11 और 12 के बच्चे और ख़ास करके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं सारे बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देना है आपको पहले पढ़ाई में, क्योंकि आप पढ़ लोगे और फिर सक्सेस हो जाओगे तो आपके जीवन में आप जो भी चाहोगे वो आपको मिल सकता है। लाइक आप सामने भी देखे होंगे कि धनबाद के दो यूट्यूबर हैं जो कि अलग कास्ट से है, ज्योतिश्री और मनोज ने, लेकिन उन लोगों के पास आज क्या नहीं है, दोनों ही मतलब एडुकेटेड हैं और अच्छा यूट्यूब में ग्रोथ कर रहे हैं, सामने उसके समाज रह गए, पेरेंट्स रह गए, लोग बोलते गए हैं, ठीक है बहुत तरह के अपवाद उठते गए हैं, लेकिन आज देखिए बसरते पैसे के बल पे आज जो है कि वो समाज के जितने भी मतलब चीज़ को नकारते हुए आगे की ओर बढ़ गया। और दूसरी बात, मैं इसका खंडन भी करता हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसा करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं माँ बाप का भी हेटेड होता है, बाद में आप पैसे के बल पे तो आप ठीक कर लोगे सारे चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं खंडन होता। तो आज के जितने भी युवा वर्गों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी इस तरह का मतलब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, पेरेंट्स के प्रति क्या सोचे कि उनके कष्टों के बारे में सोचे कि वो आपको जो स्टार्टिंग पीरियड से किस प्रकार से जो कि आपको स्टडी कराएं, किस प्रकार से आपको मतलब जो कि कराएं। मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ इस एरिया में, यहाँ पे कोई टाटा बिरला और अंबानी का बेटा बेटी नहीं रहता, तो बच्चों को सबसे पहले उसका माँ बाप का स्ट्रगल पॉइंट को देखना चाहिए, किस प्रकार से पेट काट के, किस प्रकार से मजदूरी मेहनती करके जो कि बच्चा को पढ़ाता है, ताकि उसका एक आस रहता है कि मेरा बच्चा जो है सक्सेस कर जाए, और सक्सेस करने के बाद जो कि अच्छा मुकाम में पहुंच जाए, और जैसे ही वो अच्छा मुकाम में पहुंचे उसके बाद माँ बाप भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपका जो दिली इच्छा रहेगा प्यार मोहब्बत का तो आप वो माँ बाप के सामने भी इजहार कर पाएंगे, बशर्ते आप करियर में कुछ बन पाएंगे। तो अब थोड़ा जहाँ तक मैंने आपको स्टडी किया है, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, मैंने सुना है कि आप नाइन्थ में मैथ में फेल हो चुके थे, तो कैसे आप उस जगह से अभी इस मुकाम पर आए हैं, कैसे आप फर्स्ट उनके एक साथ पढ़ाते हैं कोचिंग में? देखिए, इसके लिए जो है थोड़ा स्टोरी लंबा जाएगा, ये एक मतलब रियल घटना है, भले लोग इसको जो कि अलग अलग वे में देखा जाए, एक्चुअली मैं बचपन से बात करता हूँ, मेरा बचपन जो है बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे भैया आज इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ते थे, पढ़ाई में अच्छे थे, घर में सब कोई उनको ही मतलब जो कि पढ़ाई के ऊपर तजुर्बा देते थे क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था, और मेरा मकसद ही था कि क्रिकेट खेलना है, इधर उधर दौड़ना उड़ना है। तो एट तक जो है मैं अपना जो पढ़ाई किया अपने गांव के स्कूल में परसबनिया से किया, तो एट तक जो है कि एक मनोरंजन का मतलब जैसे होता है ना पढ़ाई के ऊपर, तो मनोरंजन करते हुए मैंने पढ़ा, खेल कूद करते तो पढ़ाई का कोई इंटरेस्टिंग नहीं था उसमें एकदम से, मतलब ऐसे ही, क्योंकि सर जो थे हमारे ठाकुर जी सर, बहुत ही मैंने महान अनुभवी सर थे, उनको तहे दिल से प्रणाम, अभी तो शायद जीवित नहीं है, तो उनके छत्र छाया में मैंने एट में बस खाली हिंदी और ये जो बोलना मैं बोल पा रहा हूँ बोली उनसे मैंने सीखा था, बहुत ही मतलब ये थे, और उसी से जो कि सीखने के बावजूद इतना देर तक हम बोल पा रहे हैं, कहीं पर भी हम स्टेज शो में भी भाषण वगैरह या फिर धनबाद में भी बहुत सारे ऑडिटोरियम में मैं भाषण दे चुका हूँ, तो उनसे बस मैं खाली हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। और जैसे ही मैं एट के बाद नाइन्थ में आया तो नाइन्थ में मेरा जो है ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी रह गई, इतना रह गई कि हमको लगा कुछ देर के लिए कि पढ़ाई छोड़ ही दी, क्योंकि मुझे नाइन्थ में कुछ समझ में नहीं आता था, और भैया मेरा इंग्लिश ऑनर्स था तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आते थे, तो पिताजी ने बोला कि वो प्राइवेट में पढ़ रहे थे, तो पिताजी ने बोला कि दो बच्चों को जो कि एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरा पिताजी ने क्या किया कि मुझे मजदूर हाई स्कूल में जो कि एडमिशन करा दिया,
जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे बेसिक कुछ सिखाता नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह से मैं मजदूर स्कूल गया, रोज नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई कम होता था, मारपीट कुटाई ज़्यादा होता था, सर लोग ज़्यादा कूटते थे। आज के डेट में तो सर कूटते नहीं है, मेरा भी हाथ नहीं चलता है, आप लोग देखे होंगे। तो क्या हुआ था कि रेगुलर हम जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब बरसात का दिन था, तो मेरा यूनिफॉर्म जो है पूरा भींग गया, तो घर में भींग गया था। तो मैं अपना जो है पैंट जो है वो मतलब दूसरा कलर का पहन लिया था, और शर्ट और दूसरा कलर का, और मेरा मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक था, इतना ज़्यादा वीक था कि मतलब मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए या फिर साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी बोलिए फॉर्मूला, वो तो दूर की बात, हमको एलसीएम एचसीएफ में दिक्कतें हो रही थी, तो ये समस्याएँ मेरी थी। तो क्या हुआ ना कि सर जो है पूछ लिए क्वेश्चन, संस्कृत वाले सर थे, और फिर उसी के साथ एक मिश्रा सर थे और एक मृधा सर थे, अगर वो लोग सुन रहे होंगे वीडियो तो अच्छी बात है। तो दोनों सर आ गए और वो लोग चुनाव करने लगे कि जो जो वीक स्टूडेंट हैं आज उन लोग को थोड़ना, यानी आई मीन उसको आज अच्छा से मतलब ये करना है, पीटना है, और डिसिप्लिन वाला भी चेक करने लगे। तो पैंट मेरा भींगा हुआ था, तो हम बोले सर मेरा पैंट भींगा हुआ है, तो बोला तुम क्यों नहीं पहन के आया, मतलब मेरा पैंट भींगा हुआ, तो बोला कि तुमको नहीं जानता है स्कूल का रूल रेगुलेशन क्या है, बोले सर पता है लेकिन भींगा हुआ तो कैसे आएंगे, भींगा पैंट पहन के तो नहीं आ पाएंगे ना, इसके लिए तुमको पनिश करना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, तो हाथ में मुझे मार दिए, मारने के बाद क्या था कि वो तो मार दिए तो उसको हम सहन कर लिए। दूसरा बार क्या हुआ कि हम ये मैथ वाले सर आ गए और वो सवाल पूछने लगे, फार्मूला पूछने लगे, तो जब फार्मूला पूछने लगे हम जवाब नहीं दे, तो वहाँ पे मुझे गुस्सा आ गया, सारा मतलब लड़का लड़कियों का बैच था, और जो है कि हमको टेबल के ऊपर जो कि खड़ा कर दिया गया, और खड़ा करके ये सब पैर के नीचे हिस्सा हुए जो कि ताबातोड़ जो कि मारने लगे। तो जब मारा, जिंदगी में मेरा ना आज तक मेरा माँ मारी थी, ना मेरे पिताजी मारे थे, ना मेरे भैया मारे, मैंने मार का एहसास कभी नहीं हुआ था और आज तक नहीं खाया, वो प्रथम मार खाया। तो मैंने ठान लिया कि आज इस स्कूल का दहलीज मेरा अंत होगा, लास्ट होगा, चाहे घर वाला जो भी करे, अगर घर से निकाल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल जाएंगे लेकिन पढ़ना नहीं, क्योंकि आज तक लाइफ में मैंने कभी मार नहीं खा। जहाँ मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में सर लोग हमको मतलब एकदम बेटा का तरह मानता था, हालांकि सभी बच्चों को मानता था लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो कि घनिष्ठता था, तो कभी मार का अनुभव मेरे हुआ ही नहीं था। तो मार क्या होता है उस दिन हमको लगा, तो उस दिन हम कसम खा लिए कि इस स्कूल में हमको पैर रखना ही नहीं। तो जब पैर नहीं रखना तो स्कूल छोड़ दिए, तो घर पहुँचे, घर पहुँचने के क्रम में क्या हुआ कि पूरा रोने लगे, पैर फूल गया। तो मेरे वो भी मेरे दादाजी के दोस्त थे जो सर मारे थे, तो फिर उस समय तो फ़ोन के माध्यम नहीं थे, तो मेरे दादाजी बोला कि चला जाए एक बार उनके घर, बोला आप लोग को जो करना है कीजिए, मेरा एक ही चीज़ ये रहेगा, अगर मुझे पढ़ना है तो मैं प्राइवेट से पढ़ूंगा कहीं पर, और अगर नहीं आप पढ़ा पाओगे तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए छोड़ दिए, स्कूल जाना वाना पसंद नहीं था, नहीं करने लगे। फिर क्या हुआ, घर में पूरा डांट फटकार मिला, फिर किसी तरह पिताजी जो कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके बोला चलो तुम्हारा भैया जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर एडमिशन कर दे, तो पढ़ लो। तो जब हम पढ़ने गए तो बहुत ज़्यादा वीक थे, और जब वहाँ पे वीक कितना ज़्यादा था, जब टेस्ट लिया गया तो पहला टेस्ट 2 नंबर का मैथ में आया मेरा, ठीक है। और जब मेरा 2 नंबर मैथ में आया तो फिर क्या हुआ ना कि भैया को थोड़ा थ्रेड करने लगे, उन लगा अरे तुम्हारा भाई तो इस तरह नहीं, इसको यहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबको ही सुपर क्लास बच्चे पढ़ते थे, पूरा एकदम हाँ टैलेंटेड बच्चे थे, पूरा सीबीएसई बोर्ड वगैरह सब जुड़ा हुआ। तो उसी समय हम ठान लिए कि अगर अगर यहाँ से अगर हम क्विक कर देते तो शायद मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ठान लिए कि अब हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया कि हम दिन रात जो है मैथ बनाने की कोशिश करने लगे, नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक पेंसिल और कॉपी लिया और मैं एक ही मैथ को चार बार पाँच बार करके मतलब जो कि रिविज़न करते गया, और फिर जब मेहनत देखा तो वही 2 से 22, 22 से 44 इस तरह आया। तो सर लोग एक्स्ट्रा, वो लोग भी बहुत मतलब जो कि मानते थे बाद में जब मेहनत करने, तो एक्स्ट्रा क्लास दिए और एक्स्ट्रा क्लास में जो बारीकियां होती थी, जो चीज़ होती थी छोटी छोटी, वो बारीकियों को बताया, और इस तरह से जो कि आई होप कि 10th में रिजल्ट हुआ। और उस समय 2005 की बात है, तो 10th थोड़ा अभी के तुलना में थोड़ा सा टफ हुआ करता था, तो उस समय जो कि हम पास किए। और मुझे याद है कि मेरे गांव से 19 जन एक टेकर में हम लोग पढ़ जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें से मात्र 3 ही लड़का जो कि पास किए थे, और वो एक खुशनुमा मतलब जो कि माहौल बना था घर में, तब बोला कि नहीं अब ये बच्चा कुछ करेगा। फिर क्या हुआ, वहीं से मैं स्टार्ट किया, फिर मोहट्टाड़ में उसी वक्त जो है कि CRPF का बहुत बड़ा
मतलब कैंप लगा था, तो वहाँ पे किसी का मतलब के माध्यम से जो है कि बैच मिला पढ़ाने के लिए, सीबीसी बोर्ड का पहला बैच, ठीक है, बैच नहीं बोला जाए तो एक बच्चा मिला, तो बोला जाए कि आपको 30 रुपया देंगे, ठीक है, 15 दिन देखना है अगर, हाँ 30 रुपया, ये है बात 2006 या 2007 की बात है, एग्जैक्ट में बता नहीं पा रहा हूँ, तो 30 रुपया देंगे अगर बच्चा में कुछ ग्रोथ होगा, बंगाली फैमिली का था तो वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता था, तो बोला 30 रुपया देंगे अगर अच्छा बच्चा ग्रोथ करेगा तो फिर आपका जो कि कितना सैलरी बढ़ेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको बच्चे भी मिलेंगे अगल बगल का रहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चा को मतलब थोड़ा सा किया गाइडलाइंस, और उस समय ऐसा था ना कि मोबाइल भी नहीं था, कोई सेवा नहीं, तो फिर क्या किए कि पॉकेट में 1-2 रुपया जो बचता था घर से ले जाके, तो बच्चा को भुला भुला के उसका बुक जो है हम एक प्लास्टिक का थैला लेके जाते थे, उसमें उसका बुक लेके आते थे और डिक्शनरी घर में हुआ करते थे, उससे वर्ड मीनिंग मिलाते थे और देखते थे कि इससे क्या होगा क्या होगा, फिर देख के जो है कि उसके बाद वाला दिन पढ़ाते जाए। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ पे पढ़ाना चालू कर दिए और चालू करते हुए अभी तक जो कि चल ही रहा। यहाँ पर मैं अपना और एक सवाल रखना चाहूँगा कि इतने सारे तो अपने स्ट्रगल वगैरह सब कुछ हुआ, ट्यूशन लाइफ आपका अभी बढ़िया चल रहा है, तो कुछ आपका अचीवमेंट मैं जानना चाहूँगा ताकि जो भी व्यूअर्स वो थोड़ी मोटिवेट हो पाए कि क्या क्या अभी तक आपने अचीवमेंट कर लिया अपने लाइफ में। देखिए अगर अचीवमेंट का बात किया जाए तो मैं शुरू ही में बोला कि मैं अभी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, तो सीखने और सिखाने के क्रम में अभी तक मैं अगर बचपन का दौर में बता दूं कि पहले जो मेरा मकान हुआ करता था, जो घर हुआ था वो कच्चा हाउस हुआ करता था, आजकल मतलब देखने भी नहीं मिलेंगे जो बिचाली का घर हुआ करता था, तो उस बिचाली के घर में हम जो कि रहते थे, और जैसे ही बरसात का दिन होता था तो सारा बुक वगैरह जो होता था वो पेट के इधर होते थे और बरसात का पानी पीठ में होता था, ठीक है, इस तरह के सिचुएशन से जो कि हम गुजरे हैं। वर्तमान में जो कि ठीक ठाक अभी घर हो गया, ठीक है, सभी को आशीर्वाद से बड़े छोटे को प्यार से घर भी है, और दूसरी बात जो है यातायात के साधन के लिए हमारे पास आप लोग देखे भी होंगे जब हम जाते थे एक बिना करियट वाला साइकिल हुआ करता था, तो उस साइकिल से आना जाना करते थे, और बहुत बच्चे को जो पुराने स्टूडेंट हैं उसको पता होगा कि किस तरह से स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रहा होगा उस समय, वही साइकिल से मैं 11-11 बैच पढ़ा करता था, एक नहीं दो नहीं पूरा 11 बैच, 11 बैच मतलब 11-11.5 घंटे, हाँ, तो 11 बैच पढ़ाने का अब सवाल आएगा कि क्या जरूरत था क्या नीड था, अब कोई भी 16-17 साल के बच्चे जो कि 11 बैच पढ़ाएंगे क्या ऐसा रीजन था क्या कारण था, तो उस समय मेरा इतना ज़्यादा नीड था पैसों का कि अगर मैं उस समय वो काम नहीं करता तो आई होप कि मतलब इस जगह पे आज मैं बैठा भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि सबसे बड़ी कारण था कि ना मेरे पास घर था, ना जाने आने के लिए संसाधन था, ना घर में लाइट थी, इनफैक्ट मेरे घर में जो लाइट आई वो हमको याद है 2013 में आई, इससे पहले मेरे घर में लाइट भी नहीं था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो कि हमारे साथ समस्याएं उत्पन्न होता था, और मैं किसी मेहमान के घर में कोई रिलेटिव के घर में कहीं भी अगर जाता था तो मतलब कोई आधुनिक चीज़ को देखता था, जैसे लाइट्स हो गया टीवी हो गया ये सब को मैं देखता था, तो दिमाग में एक चीज़ बैठता था कि कब वो मेरे पास आएगा कैसे हो पाएगा, तो 11 बैच पढ़ाने का मेरा मूल मकसद यही था कि घर के जो ज़रूरत है उसको पूरा करें, ठीक है। तो मुझे याद है जब मैं पहला जो मेरा बाइक है, अभी तो मेरे पास 2 बाइक है ऑलरेडी, तो पहला जो मेरा बाइक था तो उस समय मेरा एज जो है कि 17 का था, तो 17 में आपको पता होगा कि 17 एज में बाइक अगर आप ख़रीदने जाओगे तो आपको बाइक जो है नहीं मिलेगी, क्योंकि आप माइनर नहीं हो उस समय। तो मैंने क्या किया, जो बाइक लिया ना तो किसी और के नाम से जो कि बाइक परचेज किया। अब मुझे बाइक की इतने ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे पास उस समय घर नहीं था, थोड़ा बहुत बना था ठीक ठाक लेकिन उतना अच्छा घर नहीं था, लेकिन मैंने बाइक लिया, और वो भी क्या फैमिली के मतलब विरोध में, खास करके मेरे पिताजी के विरोध में, मेरे पापा के विरोध में हम वो बाइक लिए। लेने का रीज़न क्या था कि मैंने ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि मेरे मम्मी जो कि तबीयत ख़राब हुआ था किसी कारणवश, तो मैंने बाइक जो है मांगने खोजा, तो अगल बगल के आस पड़ोस से बहुत सारे मतलब बाइक जो कि मैंने मांगा, कोई मुझे हेल्प नहीं किया था, लेकिन एक बंदा था जो कि उस समय हेल्प किया था, तो अहम वक्त पर अगर मुझे बाइक नहीं मिलता तो शायद कुछ भी हो सकता था, मम्मी का इतना ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने इसलिए सोच लिया कि ये जो कि ज़रूरत का चीज़ है, अगर बाइक रहेगी तो मैं क्लासेस जो 11 बज पढ़ा रहा हूँ तो हो सके मैं 11 ही बज पढ़ाऊँ, लेकिन मैं जल्दी घर भी आ पाऊँ या फिर समय को टाइम को हम बचा के कुछ पढ़ भी पाऊँ कुछ कर पाऊँ, तो बाइक जो है कि लेना बहुत ज़रूरी है।
तो फिर मैंने बाइक लेने के लिए सबसे पहले मैं जो है कि हीरो होंडा के शोरूम में गया, तो वहाँ पे साफ इनकार कर दिया, बोला एक तो आपका एज नहीं है, दूसरी बात आपका पे स्लिप वगैरह जो है नहीं, आप कोई जॉब नहीं करते, आपको इंस्टॉलमेंट में तो बाइक लेना ही बाइक मिलेगा ही नहीं, और हम इंस्टॉलमेंट में बाइक लेना चाहते थे। और उस समय अगर देखा जाए तो मेरे पास मात्र 19,000 पैसा था, वो भी मैं एक सेतु विद्यालय कर रहा था। बहुत से लोगों को नहीं पता है सेतु विद्यालय के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। सेतु विद्यालय जो है केंद्र सरकार की एक योजना होती थी जो साल भर के लिए होती थी, तो उससे मुझे करीबन 22 से 23 हज़ार रुपया जो कि आया था, जड़ा था, तो मेरे पास वो छोटा सा रकम था। तो मैंने सोचा कि मैं आगे का नहीं सोचा कि मुझे फ्यूचर में जो कि इंस्टॉलमेंट करना है या देना है, तो उसके बारे में मैं तुरंत सोचा कि कैसे मुझे बाइक एक इंस्टेंटली लेना है। तो फिर मैंने क्या किया कि वही पैसा को पॉकेट में लेते हुए 2-4 दिन घूमे, नहीं बात बना, तो कोई मेरा मित्र के कॉल आया, बोला क्या रे तुमको बाइक चाहिए, बोला हाँ चाहिए, तो बहुत दिनों से ढूंढ रहे, पहले सेकेंड हैंड बाइक ढूंढे तो जमा नहीं, कुछ अच्छा नहीं मिला, तो फिर नया बाइक के बारे में बोला कि गोविंदपुर में एक शोरूम है, वहाँ से आप जो कि बाइक एक ले सकते हो, और भी बजाज प्लेटिना का, इतने में हो जाएगा। अच्छा, पहला बाइक आपका हाँ, बजाज प्लेटिना का। मैंने गोविंदपुर चल गया और गोविंदपुर से जो कि एक बाइक जो कि 19,000 रुपया पे करके एक इंस्टॉलमेंट में बाइक बनाया, और लगातार 30 महीना तक जो है अब मैंने इंस्टॉलमेंट भरा। हाँ, उस समय 1200 रुपया होता था, ऊपर से जो कि पेट्रोल का था। जब मैंने बाइक लिया तो घर वाला का जो मेरे पिताजी का पहला बात था, तो बोले तुमको घर के अंदर आना नहीं पड़ेगा, बाइक में सो जा, ठीक है, ये बात बोली थी, मुझे अभी भी याद है। फिर मम्मी खुश थी, अंदर से थोड़ा गुस्सा ही थी, बाहर से गुस्सा थी लेकिन अंदर से खुश थी, ठीक है। तो फिर मैंने बाइक ला, तो लेने के बाद जैसे गांव मोहल्ला में बहुत होता है, अरे घर नहीं है, द्वार नहीं है, और बाइक टीवी नहीं है, लाइन नहीं है, बाइक ये कौन बोलता है कि अलग मतलब का लेवल का आ रहा है। तो मैंने सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए क्या किया कि मैंने बाइक लिया और लगातार 30 मंथ तक जो है इंस्टॉलमेंट को पे किया। पड़ोस में मम्मी गई थी टीवी देखने के लिए, तो कोई रूडली बात कोई बोल दिया कि ऐसा ऐसा ये नहीं, तो मुझे याद है कि मैं एक ही साथ जो है 17,000 का सामान, लाइट का, डेकोरेशन का, जितना होता है टीवी वी पंखा वंखा दो वगैरह, एक ही साथ जो कि गाड़ी में रिजर्व करके मैंने 17,000 का सारा चीज़ सामान जो कि उस समय लाया, और वो हुआ। और उसके बाद जो कि धीरे धीरे मेरा घर भी उस तरह का नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा छत तो नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे घर में जो मिट्टी वगैरह गोबर वगैरह देने का, और जो मैं बचपन में कवर करता था बुक को, तो वो शायद अभी नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही सीखने के और सिखाने के क्रम में अचीवमेंट हुआ है। तो ये सब आप बच्चों का ही प्यार है जो सर को आप लोगों के बीच अभी तक रखे हुए हैं, मतलब नहीं तो अगर चाहते तो जॉब तो ले ही सकते थे, बट इनका ही मन नहीं किया क्योंकि आप लोगों का प्यार एक बहुत किसी का प्रोफेशन ये चीज होता है, जिस चीज से आपको प्यार हो उस चीज को आप छोड़ के दूसरे काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे मुझे एज ए मान के चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे इस काम को छोड़कर अगर मैं दूसरा काम करूंगा तो सिर्फ काम ही करना होगा, मैं अपना 100% उस जगह पर नहीं दे पाऊंगा। सेम चीज सर के साथ भी हुआ है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी इनके कोचिंग में पढ़ते हो बच्चे तो जरूर देख रहे होंगे, जो भी देख रहे हैं वो इतना याद रखो कि हमेशा सर के साथ रहो और जो भी सर बताते हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई जरूर करो। जो भी सर मुझे बताया, मैंने जैसे शुरू में ही कहा, अभी तक मुझे कुछ भी सलाह मशवरा लेना होता है तो मैं सर को ही कॉन्टेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ इनके पास ऐसे ऐसी चीजें भरी पड़ी है। मतलब अगर अभी तो जो भी खुला, अभी एक बाल्टी मात्र पानी निकला समुद्र से, अभी मेरे पूरा समुद्र को नहीं खंगाला है, अभी अगर पूरा समुद्र खंगालेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, फिलहाल इस तो वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूँ, इसका अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, सर के बारे में और कुछ आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। कुछ लाइक का हम लोग टारगेट रखेंगे, 100-150 का लाइक अगर आपने कर दिया इस वीडियो में तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। सर को फिर एक दिन फुर्सत टाइम में सर को बुलाया जाएगा, क्योंकि इनके पास टाइम रहता नहीं है, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद ये हमारे पास आया है आज, और मात्र 1-2 घंटे का टाइम लेकर आया हुआ है। हमने सोचा चिक्के लोग कुछ नहीं, उसी हम लोग शूट कर लेते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जरूर कमेंट करना, हाँ लाइक टारगेट जरूर पूरा कीजिए जिसका आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगी। तो चलिए, यही थी इस चैनल का पहला पॉडकास्ट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इसी तरह का रेगुलर पॉडकास्ट देखना है तो आप जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, वो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।